हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस के भावी पार्षदों ने जमकर उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, शक्ति प्रदर्शन के साथ जताई दावेदारी नहीं की कोरोना गाइडलाइन की पालना। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से दावेदारी करने वाले भावी पार्षदों और उनके समर्थकों ने शुक्रवार को जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। दावेदारी के दौरान उन्होंने किसी तरह की कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं की। दरअसल कायलाना रोड पर होटल लेक व्यू में आज कांग्रेस की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र आरसीए अध्यक्ष और कमेटी के सदस्यों के सामने दोनों नगर निगमों के दावेदारों को अपनी दावेदारी जतानी थी। इसके लिए सभी दावेदार अपने अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचे और जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान यहां भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। अंदर प्रवेश करने को लेकर भी दरवाजे पर भीड़ लगी रही। इन दावेदारों और समर्थकों ने किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी। कई लोगों के मास्क भी गले में लटके हुए थे। उन्होंने कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। होटल में आयोजित इस बैठक में प्रत्येक दावेदार अपने 10 से 20 समर्थकों के साथ पहुंचा। सभी नारेबाजी करते हुए होटल में पहुंचे करीब 1000 दावेदारों और बड़ी संख्या में उनके समर्थकों के कारण सारी व्यवस्था धरी रह गई। कोरोना गाइडलाइन की पालना होते हुए भी कहीं नजर नहीं आई। अधिकांश लोग मास्क लगाए हुए अवश्य थे, लेकिन पहले अंदर प्रवेश करने की जद्दोजहद में सोशल डिस्टेंसिंग भुला दी गई। एक दूसरे को धकियाते हुए लोग अंदर प्रवेश कर रहे थे। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।